चल सकता है। इधर जम्मू कश्मीर में नौजवान को गुमराह कर रहे अलगाववादियों के बच्चे विदेशों में पढ़ाई करते हैं। जानकारी के मुताबिक 112 अलगाववादी नेताओं के करीब 210 ऐसे बच्चे हैं जो विदेशों में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। वहीं 14 हुर्रियत नेताओं के 21 बच्चे अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, ईरान, तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं। अमिताभ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये सवाल तो हर बार और बार बार उठता रहा है कि आप अलगाववादी रहते हुए वहां पर जम्मू कश्मीर में बच्चों को पत्थरबाज बनाते हैं और अपने बच्चों को विदेशों में पढ़वाते हैं, ये दोहरा रवैया आपके तमाम उन बातों को खारिज करता है जिसको लेकर आप कश्मीर में अमन और चैन की बात करते हैं। बिल्कुल, इसे दो ही चीजें साफ है। सबसे पहली बात यह है कि कश्मीर के बच्चों के साथ कुछ और व्यवहार, आप कश्मीर बंद का आह्वान करते हो और पत्थरबाजी के लिए कहते हो और दूसरी तरफ दुनिया भर में अपने बच्चों को बाहर भेज रहे हो। कम से कम 125 अलगाववादी नेताओं के 225 बच्चे विदेश में हैं, उनके बेटे बेटियां, उनकी बहुएं विदेश में या तो पढ़ रहे हैं या बस गए हैं। यही बात देश की जनता को, यही बात कश्मीर की जनता को और यही बात दुनिया की जनता के सामने भारत सरकार सामने लाना चाहती है। इसलिए आपको याद होगा, सरकार ने सबसे पहले उनसे सिक्योरिटी विथड्रॉ की थी। अब इनके बच्चों के बारे में सीधे सीधे ये लोग बता रहे हैं कि ये लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, कुछ कश्मीर की चिंता नहीं है, सिर्फ अपनी चिंता है। तो पूरी तरह से हुर्रियत नेताओं को एक्सपोज यानी उनका पर्दाफाश करने की तैयारी कर रही है सरकार। तो ये ढोंग अब और नहीं चलने वाला। अमिताभ, शुक्रिया।